भारतीय जनता पार्टी द्वारा दुर्ग नगर निगम में पानी की मांग को लेकर किए गए प्रदर्शन को लेकर दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी केएस चौहान ने कहा कि इस प्रदर्शन से नगर निगम के महापौर और शहर के विधायक को जगाने की कोशिश की गई है। यह भाजपा का विरोध नहीं है, यह एक आम जनता का विरोध है, आक्रोश है। इस विरोध प्रदर्शन में आम जनता आई हुई थी, जिन्होंने मटके फोड़े हैं। उन्होंने प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार। नगर निगम के महापौर और विधायक को जगाने की कोशिश की है, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है, ये एक आम जनता का विरोध है, ये एक आम जनता का आक्रोश है। उस विरोध में कई आम जनता वहाँ पर आए हुए थे, जिन्होंने मटके फोड़े, अपने खाली मटके लेके आए थे घर से, जिन्होंने मटके फोड़े, उनकी व्यथा आप देखिए, वो आज इतने आक्रोशित हैं। आज कई लोग जो अपने काम पे जाना, मोटर पंप कहीं कहीं ज़्यादा लगा हुआ है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसके कारण ये नहीं है कि आप पानी जो किल्लत है वो दूसरे तक नहीं पहुँच पाएगी। आप ऐसा सिस्टम बनाइए कि हर अंत्योदय तक, आखिरी इंसान तक पानी पहुंचना चाहिए जी। आप मोटर लगवाएं ना लगवाएं वो अलग बात है, लेकिन आपके फोर्स में पानी के फोर्स में इतना फोर्स होना चाहिए कि दूसरे तक पहुंच सके। मोटर जो लगाता है बस ये होता है कि उससे धार ज़्यादा आती है, लेकिन पानी तो दूसरे तक पहुंचता है।